मैं मोहम्मद इमरान तोवर आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैंने प्रायिकता के बारे में आपको बताया था, दो सूत्र काम में लेते हैं। पहला सूत्र मैंने बताया था आपको, पी ए प्लस पी ए नोट, ये बार है, नोट का सिंबल है, इक्वल, यानी प्रायिकता का होना प्लस प्रायिकता का न होना, अब जोड़ते तो मान आता है एक। दूसरा जो सूत्र आता है वो है पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब ये काम कहाँ पे लेंगे, जब संख्या पॉइंट के अंदर आती हो तो हम ऊपर वाला पहला सूत्र काम में ले लेंगे, और जब संख्या पॉइंट में ना हो तो हम दूसरा सूत्र काम में ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे पी ए 0.15 दे रखा है और अगले ने फाइंड करा लिया पी ए नोट, ये फाइंड करवा लिया, तो उसको करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे पी ए प्लस पी ए नोट इक्वल वन, ये तो हम सूत्र लिख देंगे। अब इस संख्याओं को सूत्र के अंदर सेट कर दो, सबसे पहला काम ये। तो पी ए कितना हमने पास 0.15 प्लस का हमने प्लस दिखा दिया, और पी ए नोट ये बार है, नोट का सिंबल है, इक्वल वन, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, ये जो कंसेप्ट है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ उतार लेंगे, पी ए नोट इक्वल वन, और ये जो प्लस में है 0.15, ये जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्या अगर प्लस में रहती है तो पक्षांतर होता है संख्या का, तो माइनस में हो जाती है, और माइनस संख्या प्लस में हो जाती है, ठीक। जो एक में से 0.15 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.85। ये तो बात कर खत्म हो गई वाक पे कि जब संख्या पॉइंट में आती हो। आगे बात करते हैं, संख्या पॉइंट में ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक पासे को एक बार उछाड़ने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखें, जो पासा होता है डाइस होता है, उसमें अंक कितने अंकित होते हैं, पासे में अंकित अंक कौन कौन सी संख्या आती है पासे में, एक दो तीन चार पाँच छः, ये संख्या आती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि पासे में चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस सूत्र का यूज करते हैं। तो सूत्र क्या लगाएंगे, पी ए अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अब चार से बड़े अंक कितने इसमें, पाँच और छः, तो दो अंक हो गए, तो अनुकूल कितने हो गए दो, और कुल कितने अपने पास छः, तो दो बटा छः, कट रहे तो काट दो, दो एकम दो, दो तीन छः, एक बटे तीन। ये तो पासे का एक सवाल था, अब इस पासे से कितने सवाल बन सकते हैं वो देखो। पहला, इस पासे में पूछ सकता है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, दूसरे से पूछ सकता है भाज्य संख्या, तीसरा इसमें पूछ सकता है अगला सम संख्या, चौथा इसमें विषम संख्या, और पांचवा लास्ट जो क्वेश्चन से बनता है पासे वाले में, एक पासे को एक बार उछाड़ने पर वो बनता है दो व छः के बीच में, या फिर तीन या छः के बीच में, या पाँच सॉरी तीन दो या छः के बीच में, या तीन या छः के बीच में, या चार या छः के बीच में, कोई भी संख्या के बीच में आपको संख्या पूछ सकता है। अब पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या। अब इस पासे के अंदर जो अभी मैं बताया एक दो तीन चार पाँच छः, इन संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, विषम संख्या कौन कौन सी है, भाज्य कौन सी है, विषम कौन सी है, सम कौन सी है, और दो और छः के बीच में कौन सी है। तो इसके बारे में भाज्य संख्या के हम देखेंगे, भाज्य संख्या कहते किसे, अगर आपको पता चल गया भाज्य संख्या कहते किसे, तो आप ये पासे वाला नहीं कोई भी सवाल किसी भी संख्या का आप क्लियर कर सकते हो। हे क्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हो, अर्थात या तो अपने पाड़े से करती हो या फिर एक से करती हो। जैसे ये एक है,
एक जो संख्या का होता है ये इन इस शर्त को पूरा नहीं करता है, क्योंकि एक केवल एक से कट रहा है। ठीक, आगे चलते दो, दो दो के पहाड़े में से करता है और एक के पहाड़े से करता है। तीन जो है वो तीन के पहाड़े से करता है और एक के पहाड़े से भी कट रहा है। लेकिन चार है, चार क्या है, चार दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा। ठीक, और पांच की बात करते हैं, पांच एक से भी करता और पांच एक पांच से भी करता है। छह की बात करें, दो तीन छह और एक। अब बाजे संख्या होने के लिए हमने क्या क्या नियम है, इसके कम से कम दो गुणनखंड होते हो। तो दो गुणनखंड किसके आ रहे, एक तो दो के आ रहे, एक तीन के आ रहे और एक पांच के आ रहे। अर्थात अभाज्य संख्या यहां दो तीन और पांच, तो कितने हो गए अभाज्य संख्या, तीन हो गई। तो इसी सवाल को हम आगे करेंगे तो इसका आंसर क्या आएंगे, तीन बटे छह आएंगे। काटोगे तो तीन एकम तीन, तीन दो छह यानी एक बटा दो। भाज्य संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हो। अब इस संख्या में दो से अधिक गुणनखंड किसके आ रहे हैं, एक तो चार के आ रहे और एक छह के आ रहे। तो भाज्य संख्या कितनी होगी इसमें, चार और छह, तो इसका क्या आएगा, दो बटे छह आंसर आएंगे। इसी प्रकार सम संख्या, सम संख्या आपको पता है दो ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े से करती हो। ठीक, तो दो चार और छह, तो इसका क्या आएगा, तीन बटे छह। काटोगे तो इसका भी एक बटा दो। विषम संख्या जो दो के पहाड़े से नहीं करती हो, एक तीन और पांच, तो तीन बटा छह, तो इसका भी आंसर आएगा एक बटा दो। दो और छह के बीच में संख्या कौन कौन सी है, तीन चार और पांच, तो इसका क्या आएगा, तीन बटा छह वही एक बटा दो। ठीक, अब ये जो एक है ये ना तो सम सॉरी अभाज्य होता नहीं भाज्य होता है, क्यों, ये दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।